केंद्र सरकार ने अभी हाल में देश के 5 महान हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसमें यूपी के चौधरी चरण सिंह के नाम का भी ऐलान हुआ है, जो कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के दादा हैं। इस ऐलान के साथ ही यूपी के राजनीतिक हालात भी बदलते दिख रहे हैं। इसी के साथ अब नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग जोरों से उठने लगी है। अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, समाजवादियों की मांग, सदैव मुलायम सिंह यादव को मिले भारत रत्न सम्मान। ये पोस्टर सपा के युवा नेता अब्दुल अजीम द्वारा लगवाया गया है और इसके जरिए सरकार से भारत रत्न देने की अपील की गई है। बता दें कि सपा की ये कोई नई मांग नहीं है, इससे पहले भी सपा नेता मुलायम सिंह को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। देखिए, नेताजी का देश के अंदर जो कद है, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया में पहचाने जाते हैं, उनकी विचारधारा पे लोग चलते हैं। नेताजी जैसा नेता शायद ही कोई आगे पैदा हो। ये यकीनी तौर पे भारत रत्न से सम्मानित करा जाना चाहिए था। जैसा कि अभी हाल में मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है, जबकि कुछ दिन पहले ही जननायक कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। लेकिन अब सपा नेताओं की तरफ से मुलायम सिंह को भारत रत्न देने की मांग जोरों पर उठने लगी है। अखाड़े की कुश्ती से लेकर देश के फलक पर चमकने वाले मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर शानदार रहा है। वैसे भी उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है, पर सपा कार्यकर्ताओं की ये अपील कारगर साबित होगी या फिर ऐसे ही मामला खत्म हो जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।